बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है कॉनिक सेक्शंस, और कॉनिक सेक्शंस में हम एक्सरसाइज नंबर 6.6 इस लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 6.6 जो है वो हाइपरबोला से रिलेटेड है, और इसका क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट जो है वो मैं यहाँ पर पहले लिखूँगा। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। हमने हाइपरबोला की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, और इसके साथ हमें गिवन क्या है वो द गिवन डाटा। ठीक है, हमें कुछ डाटा जो है वो गिवन होगा, कुछ एलिमेंट्स जो हैं उनकी वैल्यूज़ गिवन होंगी। ठीक है, उनको यूज़ करके हमने इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला फाइंड आउट करनी है। और उसके अलावा हमें ये भी कहा गया कि आपने उसको जो है हाइपरबोला का ग्राफ वो स्केच भी करना है। ठीक है, स्केच द ग्राफ। अच्छा, और इस क्वेश्चंस के यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो उन 8 पार्ट्स में हम एक दो पार्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं, बाकी आप खुद से ट्राई करेंगे। इसलिए जो पार्ट्स मैं यहाँ पर समझाने लगा हूँ वो आप जो है ठीक तरह से समझें। ठीक है, तो उसके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए तो बाकी के पार्ट्स आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 में हमें क्या क्या गिवन है। एक हमें गिवन है सेंटर पॉइंट। ठीक है, सेंटर ऑफ द हाइपरबोला जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 0.0। इसका मतलब यह है कि सेंटर ऑफ द हाइपरबोला जो है वो ओरिजिन पर लाई कर रहा है। ठीक है, ओरिजिन ऑफ एक्स वाई प्लेन पे लाई कर रहा है। उसके अलावा फोकस पॉइंट हमें गिवन है, फोकस पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो हैं 6.0। ये फोकस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए। उसके अलावा हमें थर्ड जो एलिमेंट गिवन है वो है वर्टेक्स, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं 4.0। ठीक है, तो ये हमें तीन चीज़ें यहाँ पर पहले पार्ट में गिवन है। हमें कहा गया है कि आपने इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला फाइंड आउट करना है, और उसके अलावा उसको उसके ग्राफ को स्केच भी करना है। तो चले हम इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला की तरफ पहले आते हैं। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखें, जो जो चीज़ें हमें गिवन हैं उनको अगर हम यूज़ करें तो हम इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला फाइंड आउट कर सकते हैं। जिस तरह के आप देखें डिस्टेंस बिटवीन जो फोकस और सेंटर है। ठीक है, ये फोकस पॉइंट भी हमें गिवन है, और सेंटर पॉइंट और फोकस पॉइंट दोनों हमें गिवन है। तो हम इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से। ठीक है, सी क्या होता है, सी आपने जो है यानी कि हाइपरबोला के लेक्चर्स में देखा होगा कि सी क्या था। सी है डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड द सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड सेंटर, फोकस एंड सेंटर पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है सी उसकी वैल्यू होती है, और सी हम फाइंड आउट किस तरह से कर सकते हैं। अब ये फोकस पॉइंट हमें गिवन है, ये सेंटर पॉइंट हमें गिवन है, इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो हम फाइंड आउट करते हैं, जो कि 6-0 का स्क्वायर प्लस 0-0 का स्क्वायर बनेगा, 0-0 का स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये 6 का स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर रूट बनता है, मतलब कि सी की वैल्यू हमारे पास जो है वो 6 आएगी। जब सी इज इक्वल टू 6 है, ठीक है, एक तो ये हमारे पास सी आ चुका है, बाकी तीन वैल्यूज होती हैं टोटल, ए है, ठीक है, और उसके अलावा ये जो सी हमने फाइंड आउट कर लिया, बी है और सी, ये तीनों वैल्यूज़ अगर हमारे पास आ जाएँ तो हम जो हाइपरबोला से रिलेटेड कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारे पास सी की वैल्यू आ चुकी है, उसके अलावा हमें और भी वैल्यूज़ कुछ चाहिए होंगी। जैसा कि मैं आपको ए बताऊं, ए क्या होता है, या एक और इक्वेशन जो हम यूज़ करते हैं, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इक्वेशन भी अगर हम यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें अगर हमें दो की वैल्यूज़ पता हो तो हम थर्ड फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन इस केस में अभी तक सिर्फ हमें सी की वैल्यू पता है। तो अगर हम कोई और मेथड अब यूज़ करेंगे, हम ऐसा कर सकते हैं कि ए क्या होता है, ए जो है वो भी हमने देखा था हाइपरबोला में कि डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, यानी कि वर्टेक्स और सेंटर ऑफ द हाइपरबोला के दरमियान का डिस्टेंस होता है, तो ये हम इसको कहेंगे ए इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम सेंटर
पॉइंट, ठीक है, यानी कि सेंटर से लेकर वर्टेक्स पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है वो ए होता है, अगर दो वर्टिसेस का डिस्टेंस अगर कहा जाए वो टू ए होता है, ठीक है, इसी तरह से सेंटर और वर्टेक्स का डिस्टेंस ए होता है। अच्छा, अब हमें जो है सेंटर पॉइंट भी पता है, वर्टेक्स पॉइंट भी, उस इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स पता हैं, ठीक है, जिस तरह से ये वर्टेक्स पॉइंट है ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है, इन दोनों का डिस्टेंस अगर हम फाइंड आउट कर लें तो वो ए के इक्वल आ जाएगा, तो इसी तरह से हम ए फाइंड आउट कर लेते हैं। ये मतलब 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर और उसके ऊपर है स्क्वायर रूट, ठीक है, तो इसका आप यानी कि इसको सॉल्व करें तो 4 का स्क्वायर आता है और उसके ऊपर स्क्वायर रूट होगा और फिर ए की वैल्यू इसका मतलब है कि 4 के इक्वल आ जाती है। अब ए भी हमारे पास आ चुका है, सी भी आ चुका है, अब हमें बी चाहिए, ठीक है, तो बी जो है हम इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं जो मैंने इक्वेशन पहले लिखी हुई है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यही इक्वेशन हम यूज़ करते हैं, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी की वैल्यू हमें पता है 6 है, 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का, ए की वैल्यू भी हमें पता है 4 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज़ अभी हम लिखते हैं और इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो ये 36 माइनस 16 इज इक्वल टू बी स्क्वायर बनता है, ठीक है, तो 36 माइनस 16 जो है ये 20 के इक्वल आएगा, यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू है 20 के इक्वल। तो ये चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं। और हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है, हाइपरबोला जैसे कि अगर स्टैंडर्ड हाइपरबोला की मैं बात करूं तो उसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो यहाँ पर हमें ए और बी की वैल्यूज चाहिए थी, ठीक है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है, जो कि 4 है, तो यहाँ से ए स्क्वायर अगर मैं कहूँ तो वो 16 के इक्वल होगा, ए स्क्वायर भी हमें पता है कि वो 16 के इक्वल है और बी स्क्वायर भी हमें पता है वो 20 के इक्वल है, तो यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर ओवर 16 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 20 इज इक्वल टू 1, ये हाइपरबोला की रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ठीक है। तो उसके अलावा अगर हमें एजम्प्टोट्स फाइंड आउट करने हो, यानी कि एजम्प्टोट्स हाइपरबोला के फाइंड आउट करने हो, तो वो हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, इस वन को अगर हम जीरो पुट कर दें तो, क्योंकि अभी हमने स्केच भी करना है इस हाइपरबोला को, तो उसके लिए हम एजम्प्टोट्स भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि ये जो राइट साइड पे वन है इसको हम जीरो को इक्वल पुट कर देते हैं, तो पुटिंग जो है या रिप्लेसिंग वन हम कह सकते हैं, पुट करना तो चलें इक्वल रखना होता है, तो इसमें कह देते हैं रिप्लेसिंग वन बाय ज़ीरो इन इक्वेशन नंबर वन, ठीक है, इक्वेशन नंबर वन इसका मैंने नाम दिया था, तो इसलिए इस इक्वेशन में जो वन है उसको हम ज़ीरो से रिप्लेस करेंगे। तो चलें रिप्लेस करके देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर ओवर 16 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 20 इज इक्वल टू 1, अब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है, ठीक है, एक्स और वाई के लिए। तो अगर मैं इसको ऐसा करूँ कि वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर आप इसे कह लें कि एक्स स्क्वायर ओवर 16, बल्कि इसको हमने ज़ीरो पुट करना था तो ये ज़ीरो आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ओवर 16 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर ओवर 20, ये हमारे पास इक्वेशन बनती है, इसको मैं सॉल्व करना चाह रहा हूँ। तो चलें पहले ऐसे करते हैं कि y के लिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो y स्क्वायर ओवर 20 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 16, मैंने जो है इंटरचेंज कर लिए, उसके बाद y स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 20 जो है वो राइट साइड पे जाएगा तो ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, ठीक है, 20 ओवर 16 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो y के लिए हमने सॉल्व करना है, तो ये y के ऊपर जो स्क्वायर है इसको हम ख़त्म करेंगे, तो इसको हम ख़त्म कर सकते हैं दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेके, ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट मैं लूँगा तो ये कट जाता है 2 8s या 4 4s एंड 4 5s 20, 4 से मैंने कैंसिल आउट किया तो ये 5 ओवर 4 बनता है, तो 5 ओवर 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 2 हो जाएगा, ठीक है, तो साथ में प्लस माइनस, उसके अलावा एक्स स्क्वायर था तो ये भी जो है स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होके एक्स बन जाएगा, मतलब वाई की वैल्यू जो है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स है, ठीक है, और
ये यानी कि एक इक्वेशन है हमारे पास जो कि एजम्प्टोट्स की हम इक्वेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये मैं कहूँगा कि इक्वेशन ऑफ एजम्प्टोट्स, ये क्या है, इक्वेशंस ऑफ एजम्प्टोट्स, ठीक है। तो इसको अभी हम स्केच भी करेंगे, उसके अलावा हम इसको मज़ीद जो हमारे पास इक्वेशन है हाइपरबोला की उसको लेकर चलते हैं। मैं दोबारा से इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला लिखता हूँ, वो क्या है, एक्स स्क्वेयर ओवर 16 माइनस वाई स्क्वेयर ओवर 20 इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसको हम अगर मज़ीद सॉल्व करें तो ये इक्वल मैं लिख सकता हूँ, मतलब कि इसको इस तरह से अगर मैं लिखूं y स्क्वेयर ओवर 20 इज़ इक्वल टू x स्क्वेयर ओवर 16, इस तरह से मैं लिखूं, और यहाँ पर 1 जो है वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, ठीक है। x स्क्वेयर ओवर 16 माइनस 1 बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर मैं इस y को, y वाली टर्म को इस साइड पे लेके आऊँ और 1 को उधर लेके जाऊँ x के पास, तो ये माइनस में हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनती है, और इसको मज़ीद अगर हम सॉल्व करें तो ये बन जाता है, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वेयर माइनस 16 डिवाइडेड बाय 16 बनता है, और वाई स्क्वेयर ओवर 20 ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है। इसको दोबारा से मैं वाई स्क्वेयर के लिए सॉल्व करूँ, वाई स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 20 बाय 20, अब मैं राइट साइड पे लेके जा रहा हूँ, तो 20 बाय 16 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 16 बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अब ये इक्वेशन मैंने क्यों लिखी है, पहली इक्वेशन तो चले हमने इक्वल टू ज़ीरो रख के जो है मतलब उसको हमने एज इन टोट्स की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए किया था। अब ये इक्वेशन इसमें मैंने ज़ीरो भी नहीं रखा, ठीक है, सिर्फ इस इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया है वाई के लिए। तो मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखें अब हम जो है स्केच करने पे आ रहे हैं, ठीक है, स्केच करने जा रहे हैं हाइपरबोला को, तो यहाँ पर हमें कुछ पेयर पॉइंट्स चाहिए होंगे। पेयर पॉइंट्स मतलब कि हम कुछ ऐसे पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे जिनको हम यानी कि स्केच करके उनको ज्वाइन करो और हमारे पास हाइपरबोला का स्केच आ जाए, ठीक है। तो मतलब ये इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है, अब इसमें आप एक्स की वैल्यूज़ पुट करें और वाई की वैल्यूज़ फाइंड आउट करते जाएं, आपके पास पेयर पॉइंट्स आ जाते हैं। एक पॉइंट मैं यहाँ पर फाइंड आउट करके दिखा देता हूँ आपको कि मैं अगर यहाँ पर एक्स की वैल्यू जो है वो 6 पुट करता हूँ, या प्लस माइनस 6 से ले हम कर लेते हैं, प्लस और माइनस को एक साथ लेकर चलते हैं, तो प्लस माइनस 6 मैं अगर पुट करता हूँ तो ये हमारे पास पुटिंग एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 6, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम पुट करते हैं इस इक्वेशन में तो ये हमारी इक्वेशन क्या बन जाती है, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 5/4 इंटू, ये मैंने 20/16 को 5/4 लिख दिया, ठीक है, तो कैंसिल आउट हो गई, ये हम लिख सकते हैं 4/4 and 4/5, 5/4 बन गया। उसके अलावा x की जगह हमने प्लस माइनस 16 यानी कि x का स्क्वायर है, तो ये 36 बन जाएगा, चाहे ये वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव 36 आ जाएगा क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर है। उसके बाद माइनस 16 है, और इसको आप मज़ीद सॉल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू जो है वो 25 आ जाएगा, ठीक है, ये 25 बन जाएगा, और y की वैल्यू हमें चाहिए होगी, तो y के लिए स्क्वायर रूट दोनों साइड पे ले लेंगे, तो y इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 5 बन जाता है। मतलब एक पेयर पॉइंट्स ये बन चुके हैं कि प्लस 16, चले मैं नीचे लिख देता हूँ कि ये पेयर पॉइंट्स हमारे पास आए हैं, प्लस 6 एंड पॉजिटिव 5, उसके अलावा प्लस 6 एंड नेगेटिव 5, उसके अलावा प्लस 6 एंड यहाँ पर प्लस 6, बल्कि नेगेटिव 6 एंड पॉजिटिव 5, और नेगेटिव 6 और नेगेटिव 5, ये हमारे पास पॉइंट्स आए हैं। इनको आप ड्रॉ करें तो आप इसको यानी कि स्केच कर सकते हैं फिर हाइपरबोला को, ठीक है। तो चलें मैं इसका स्केच यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ कि ये अगर हम इसको वर्टिकल स्ट्रेट कर लें तो ये हमारे पास वाई एक्सिस बन जाता है, ठीक है। इसी तरह से मैं एक और लाइन ड्रॉ करूँगा और हॉरिजॉन्टल रखूँगा उसको, तो उसको हम एक्स एक्सिस कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है एक्स वाई एक्सिस आ जाता है, ये मेरे पास एक्स वाई एक्सिस आ चुका है, ठीक है।
तो अब इस पे मैंने हाइपरबोला को जो है ड्रॉ करना है, उसके लिए हमें क्या चाहिए। सबसे पहले तो हमें जो गिवन पॉइंट्स हैं वो मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, प्लॉट करता हूँ। तो सबसे पहले सेंटर पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट 0, 0 थे, ठीक है, वो मैंने यहाँ पर प्लॉट किया। और उसके अलावा फोकस पॉइंट हमें गिवन था और वर्टेक्स पॉइंट भी हमें गिवन था, वो हम साथ लेकर चलते हैं, उसको प्लॉट करते हैं। तो सेंटर को मैंने जो है प्लॉट किया, फोकस है 6, 0, 6, 0। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है एंड देन 6, 6, 0, ये पॉइंट है 6, 0, ये पॉइंट है, तो ये फोकस पॉइंट बनता है, ठीक है। अगर एक फोकस जो है 6, 0 तो दूसरा जो है वो -6, 0 होगा, ठीक है। तो -1, -2, -3, -4, -5, -6 ये पॉइंट बनता है -6, 0 का, ठीक है। तो ये दो फोकाई आ चुके हैं, एक को आप एफ डैश कह लें और एक को आप एफ कह लें, ठीक है। तो फोकाई को हमने यहाँ पर प्लॉट किया। उसके अलावा हमें जो है वर्टेक्स पॉइंट गिवन है, वर्टेक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 0। तो 4, 0 कहाँ पर होगा, इसको डिफरेंट कलर से हम प्लॉट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4 ये 4 है और 4, 0 ये पॉइंट बनता है, ठीक है। 4, 0 ये पॉइंट आता है, 4, 0। इसी तरह से एक वर्टेक्स पॉइंट अगर ये 4, 0 है तो दूसरा वर्टेक्स पॉइंट जो है वो नेगेटिव साइड पे होगा, यानी कि -4, 0, -1, -2, -3 एंड -4 ये पॉइंट बनता है -4, 0, ठीक है। ये दो वर्टेसेस भी हमारे पास आ चुके हैं। अब हमारे पास चार पॉइंट्स आए थे, ठीक है, जो हमने जो है इक्वेशन को सॉल्व करके निकाले थे, एक +6 एंड +5। इसको देखते हैं कहाँ पर है। अगर मैं कहूँ कि ये यूनिट्स 1 यूनिट है, 2nd, 3rd, 4th, 5th एंड 6th, इसी तरह से नेगेटिव साइड पे भी -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। अगर ये ग्राफ पे आप प्लॉट करेंगे तो ये ऑलरेडी आपकी जो है सेगमेंटेशन इसकी हुई होगी, ठीक है। तो चलें 6, 5 हमने ड्रॉ करना है, 6 यहाँ पर मौजूद है और 5 पॉइंट्स अपवर्ड हम जाएंगे अबव, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 ये पॉइंट आता है इसके हॉरिजॉन्टली मैं लेकर चलूँ और 6 के ऊपर आएगा, तो ये पॉइंट जो है ये बनता है 6, 5, ठीक है। 6, 5 ये पॉइंट बन गया। उसके अलावा जो है एक +6 एंड +5 था, +6 एंड -5 वो नीचे आ जाएगा यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5 इसके नीचे आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तकरीबन यहाँ पर बन जाता है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे, 6, -5। दो पॉइंट्स ये हमने प्लॉट कर लिए। अब -6, +5 है, -6 नेगेटिव साइड पे आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये है और -5 जो है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये है -6 एंड -5। अब -6 एंड +5 अपवर्ड होगा और यहाँ पर लाइक कर रहा होगा, यह है -6 एंड +5, ठीक है। तो अब हमने जो है फोकस पॉइंट ये है, इस तरह से अगर हम इन पॉइंट्स को अब ज्वाइन करने चलें, ठीक है, तो मतलब इस तरह से होगा कि यहाँ से इस तरह से कर्व बनेगी, ठीक है, इस पॉइंट से पास हो रहा होगा और इसी तरह से सेम इन्हीं पॉइंट से पास करता हुआ इस तरह से वर्टेक्स की तरफ आएगा और ये हमारे पास हाइपरबोला की शेप बनेगी। और सेम इसी तरह से राइट साइड पे भी यहाँ से इस पॉइंट से पास कर रहा होगा और नीचे भी इस पॉइंट से पास करता हुआ गुजरा होगा, ठीक है। तो मतलब इस तरह से हमारे पास हाइपरबोला की शेप आ जाती है। और एसिम्प्टोट्स जो हमने जिनकी इक्वेशन फाइंड आउट की थी, ठीक है, एक इक्वेशन हमने फाइंड आउट की थी, ये इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स, आप इस पे भी जो है एक्स की वैल्यूज पुट करें और वाई की वैल्यूज आती जाएंगी और आप उसको भी प्लॉट करके देख सकते हैं, तो वो भी सेंटर पॉइंट से जारी होगी। एसिम्प्टोट्स किस तरह से होते हैं, ये इस तरह से तकरीबन जो है ये लाइन होगी,
ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगी और इसको बोला जाता है ये एजम्प्टोट है, ये सिंगल एजम्प्टोट है। इसी तरह से एक और होगा जो कि इस तरफ होगा, ठीक है, और इस तरह से कर्व के पास से गुजरा होगा, कर्व को टच नहीं करेगा, तो ये इसको बोलते हैं एजम्प्टोट्स, ठीक है, ऑफ हाइपरबोला। तो ये यहाँ पर हमने इसको स्केच भी किया हाइपरबोला को, और इसकी इक्वेशन भी हमने यहाँ पर देखी, ठीक है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है और इसमें जो हमारे पास ट्रांसवर्स एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, इस वजह से इसकी इक्वेशन जो है वो क्या है, एक्स स्क्वायर ओवर 16 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 20 इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास हाइपरबोला की रिक्वायर्ड इक्वेशन है और इसका स्केच जो है वो आपके सामने यहाँ पर हमने ड्रॉ किया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे लेक्चर का टाइम भी कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 हमने कंप्लीट किया, बाकी पार्ट्स बिल्कुल सेम इसी तरह से हैं, सेम कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, तो वो आप खुद से ट्राई करेंगे। यहाँ पर इस लेक्चर को हम ख़त्म करते हैं।